गिड़पत्थर इतने चल गए, हमारी मोटरसाइकिलें, हमारी जो दुकान है, दुकानों में सामान ले गए और इतनी गिड़ चली, 15 से या 1000 आदमी से कम नहीं थे। तो ये झगड़ा हुआ, तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा 20 आदमी वहाँ पहुँचे, उन्हें बीच उन्होंने अपनी रोक करी थी। हम ही तो पिटे हैं जी, और हमारे खिलाफ़ मुकदमा दर्ज हुए हैं। ये 24-25 के खिलाफ हुए जी, ये राजनीति के दबाव से आपताब ने करवाया। सहनशीलता अगर न हो तो मामूली कहासुनी भी न जाने कितने बड़े झगड़े का रूप धारण कर लेती है, लेकिन अगर समझदारी से काम लिया जाए तो बड़े से बड़े झगड़े को भी खत्म किया जा सकता है। दरअसल ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि नूह जिले के गांव जयसिंहपुर और चिलावली के बीच कुछ ऐसा ही हुआ, जहां पर एक ट्रक द्वारा साइड दबाने को लेकर पहले तो कहासुनी हुई और फिर थोड़ी देर बाद ये कहासुनी दो गाँव के बीच का विवाद बन गई। विवाद भी ऐसा बनी कि दोनों गांवों के लोगों द्वारा एक दूसरे पर वार करने के लिए जमकर पथराव हुआ और लाठियां भी चली। इस विवाद में दोनों तरफ से कई कई लोग घायल हुए हैं, लेकिन इस विवाद ने राजनीतिक रूप कुछ ऐसा लिया कि दोनों तरफ से मुकदमाबाजी हो गए। चलिए सबसे पहले चिलावली गांव के लोगों से जानते हैं वो क्या कहते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रशीद है। गाँव कौन सा जी? गाँव चिलावली है। जो ये झगड़ा हुआ है दो गांवों के बीच, जो झगड़ा हुआ है किस तरीके से हुआ है और कितने लोग इसमें जख्मी हुए हैं? सर ये झगड़ा हुआ इस तरह से, एक गाड़ी आई थी मिर्चों की और उसने उस लड़के के मई लहराई, वो उसकी बाँह अड़ गई, उसमें उसने मैं मारा हुआ था। वो गाड़ी दुकानों पे आकर रुक गई, दुकान जयसिंहपुर वालों की है, गाड़ी भी दुकान वो जयसिंहपुर वालों की है। उन्होंने उन छोरों को मारा, दो लड़के थे वे दोनों को खूब मारा लाठी डंडे से और डुक्कों से। फिर उसका बाप आया सिजाउद्दीन, सिजाउद्दीन ने कहा भाई ये क्या हुआ? तो भाई हमने ये ने गाड़ी दी हमने मारे, चलो कोई बात नहीं है रफे दफे करो, रफे दफे वहाँ हो गई। तो क्या नाम है जयसिंहपुर का दुकानदार है, उसने फिर दो लाठी और दी, वहाँ झगड़ा बढ़ गया। हम दोनों भाई गए, मैं सत्तार और भी एक दो गए, मेरा लड़का गया, हमने उनका बीच बिचाव किया। तो ये तो 15 की शाम की बात है, इसके बाद में कोई वहाँ झगड़ा नहीं हुआ। सुबह सुबह ही 8 बजे हमारा भाई सत्तार जो है टूल चला के जंगल से आ रहा था, चौकी का आगे 10-15-20 तो चौकी के आगे खड़े थे, 150-150 उनकी दुकानों के आगे खड़े थे। एकदम सत्तार को खींचा चौकी के आगे सामने से और खींचने लगे, गाली गलौज देने लगे। इतने में SI आया, SI ने उनको भीतर ले गया। फिर हमारा लड़का सलीम ने सोचा कि चाचा को गुत गए, सलीम वहाँ पहुँचा तो सलीम को बहुत मारा डुक्को से, बहुत मारा। तो वो सलीम वहाँ से चौकी में से निकल के गांव में आया, अब लड़ाई हो चुकी है, इतने गिड़ पत्थर इतने चल गए, हमारी मोटरसाइकिलें, हमारी जो दुकान है, दुकानों में सामान ले गए और इतनी गिड़ चली, 15 से या 1000 आदमी से कम नहीं थे। तो ये झगड़ा हुआ, तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा 20 आदमी वहाँ पहुँचे, उन्हें बीच उन्होंने अपनी रोक करी थी। उन लोगों ने जयसिंहपुर से यहाँ आकर झगड़ा किया, जयसिंहपुर से आकर ट्रैक्टर से, ट्रैक्टर में पत्थर लाए थे 65 की रोड़ी और पीकम से ढोए थे और बलोरो में शिकारपियो में सारे आदमी यहाँ पे आके और सब ने ये लठ बजाया। बीच बचाव के लिए कोई नहीं, चोट 10-15 आदमियों को हमारे आई है, उनकी हमको मालूम नहीं है कितने की आई है नहीं आई है, और जो भी लगी होगी वो उनकी अपनी लगी है, हमारे पास तो उनकी, हमारी गिर तो उनके पास जा ही नहीं सकती, वो ऊपर छत पे थे 15-20 लड़के। तो ये हादसा हुआ जी। चिलावली गांव के लोगों ने तो अपनी आप बीती सुना दी है, आइए आप जयसिंहपुर गांव के लोगों से भी जानते हैं वो क्या बताते हैं। क्या नाम है जी आपका? जाबिर है। जाबिर जी गांव कौन सा है? जयसिंहपुर। ये जो तो गाँव के बीच झगड़ा हुआ है किस तरीके से हुआ, किस बात को लेकर यह झगड़ा हुआ है? जी हम शाम के टाइम में मैं बैठा हुआ था, आज पे हाथ सेक रहे थे सर्दी में ना, तो हमारे गांव की गाड़ी आकर रुकी थी, तो उस गाड़ी के पीछे आए थे 3 मोटरसाइकिल पे, तो उस ड्राइवर को ये गुथ गए वहां पे, मैंने इनको दोनों तरफ से एक साइड कर दिया, मतलब उस लड़के को इधर कर दिया। और क्यों गुथ गए थे? चिलावली के थे और मतलब कह रहे थे पर मतलब पता नहीं क्या, इनको मार देंगे, ये करेंगे, रोड पटक के मारेंगे। क्या एक्सीडेंट कर दिया था गाड़ी ने, किस बात को लेकर गुथ रहे थे?
एक्सीडेंट भी नहीं था। तो फिर क्यों कूद रहे थे? बस वो उनका धंधा है लूटपाट करने का, उनके यही धंधा है गाड़ियों का, आगे एकदम से आना, उसको रोक लेना और फिर उनको मारना कूटना लूटना, यही काम उनका। आप लोगों ने कहा नहीं बिना वजह आप क्यों मारपीट कर रहे हैं? मैंने उनको 3 बार भेजा था हाथ जोड़ जोड़ कर, मैंने कोई बात नहीं झगड़ा ना बढ़ा कर, और मैंने कि झगड़े से क्या फ़ायदा होगा, तो माँ ने इन्हें कभी देखते हैं 2 मिनट रुको ये, फिर उसके बाद वो 150 आए थे, फिर उन्होंने हमला किया एकदम से मेरे सर में लगी है, उसके बाद मैं बेहोश हो गिर गया जब उन्होंने खूब लाठियाँ बरसाई मेरे ऊपर। आपके अलावा कितने लोगों को और चोट आई है? चोट तो कई है, 8-10 आदमियों को चोट आई है। जी इनका झगड़ा एक दिन पहले हुआ था 15 तारीख की रात में, कुछ गाड़ी घोड़ी का चक्कर था, वो लूटपाट करते हैं ये लोग, वहाँ इनकी अपनी दुकान है अपनी ज़मीन है उसमें दुकान बना रखी है अपना, करते हैं परचों गुजारा। तो इनके साथ जो रात में हुई थी जो घटना उसको सुबह सुन के नहीं 10-20 आदमी यहाँ पंचायत रूप में वहाँ गए थे, तो उन लोगों में हम भी थे, तो वहाँ चौकी के बिल्कुल साइड में खड़े बैठे थे हम सभी लोग और एक दूसरे से बातचीत कर रहे, भाई ठीक है वैसे नहीं होना चाहिए, भाई दूसरे पक्ष को बुलाया, वो वहाँ नहीं आ रहे थे। तो उनमें से ऐसे ही एक आदमी वहाँ गया, वो गाड़ी उतार देने लग गया, गाड़ी उतार देने के बाद वहाँ हमने कहा भाई तू ऐसे गाड़ी उतार क्यों दे रहा है, तो वहाँ से भाग खड़ा हुआ और वहाँ गांव में ऐलान कर दिया कि भाई जयसिंहपुर के मेयो और हमारे आदमी ने घुत गए और मार दिए, ऐलान हो गया। ऐलान होने के बाद इस खबर को सुन के हमने पूरे गाँव में चढ़ाई कर दी वहाँ, भाई ऐसा हुआ तो गलत हुआ है जयसिंहपुर के यहाँ, हालांकि हम तो वहाँ एक बिरादरी तौर पर गए थे, ना कोई हमारे पास कोई लाठी थी ना कोई हथियार फेरा था कुछ भी नहीं था, हम तो इस तरह गए थे। अब उन हम पे गिर बरसा दिया अंधाधुंध और वहाँ से भाग भी ना सके हम, तो एक दूसरे की धर धर लग गई जी हमारे, अब हम इधर हॉस्पिटल चले गए, लगभग 7-8 आदमियों की हमें लार कटी हुई है।